आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार, मुंह देख कर दिया जा रहा योजना का लाभ, पात्र हितग्राही आज भी इस योजना से वंचित दिखाई दे रहे हैं। टीकमगढ़ शहर के वार्ड नंबर 19 के रहने वाले असगर खान अपने परिवार के साथ पन्नी की झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। हितग्राही असगर खान ने जानकारी देते हुए बताया, मैंने कई बार नगर पालिका में आवेदन देकर आवास की गुहार लगाई है, लेकिन आज तक आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जिससे अपने परिवार के साथ झुग्गी में गुजर बसर करने को मजबूर हूँ। प्रशासन के चक्कर लगाते लगाते पांव घिस गए, लेकिन मुझ गरीब की शायद सुनने वाला कोई नहीं है। कहाँ के रहने वाले? कौन सी वार्ड? 19 वार्ड। ये बताओ, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मुझे 3 बार 2 बार फार्म डाल चुके हैं। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जाते हैं वहाँ पर, वो यही कहते हैं हो जाएगा काम। कहाँ जाते हो? वहाँ जाते तहसील में, वहाँ पर नगर पालिका में, बोले हो जाएगा काम, हो जाएगा। किससे मिलते हो? अब ये तो नहीं जानते हम, वो जो टाइम वाइज करते जो उस कंप्यूटर बैठते तो बोलते हैं कि हो जाएगा काम, हो जाएगा। 3-4 बार जाते हैं ये वाले, कोई सुनाई नहीं होती है मतलब। तो आप ये आपके मकान पर पन्नी रही, इसमें आपको परेशानी महसूस नहीं होती? अरे परेशानी होती साहब, बर्षकार में बिल्कुल बैठ ही नहीं पाते हैं, और इतनी परेशानी होती क्या बात है। अब पन्नी डालेंगे, पन्नी पानी कहाँ तक रुकेगा? और कहाँ कहाँ आपने शिकायत करी इसकी? नहीं, अभी शिकायत तो हमने कही नहीं, सर कहीं जाती है बस, वहीं 3-4 बार गए वहाँ, जो हमने कहा है कुछ हो जाए तब हो जाएगा काम, कोई काम ही नहीं होता है। 3-4 बार हुआ है। भ्रष्टाचार का दीमक प्रधानमंत्री आवास योजना पर कुछ इस तरह लगा कि गरीबों के आवास का यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से धराशायी हो गया। शहर के अधिकतर वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गांव के प्रधानों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कई अपात्र लोगों को निकलवा दिया, तो उस शहर के पार्षदों ने अपात्र हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिलाना लाजमी समझा, और पात्र हितग्राही आज भी आवास योजना की आस लगाए चातक पक्षी की तरह बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन के कान पर जू रेंगता है या नहीं। है क्या हालात है? खराब स्थिति है, पन्नी डली है, इनका पैसा नहीं आ रहा, नगर पालिका से परेशान है, चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, बच्चा एक विकलांग है, परेशान है नहीं, ठीक है, देख रहे हैं, कई चक्कर लगा चुके, कोई सुनवाई नहीं होती। हकीकत में इनका कच्चा मकान है? हाँ, हकीकत में कच्चा मकान है, आप देख नहीं रहे, पन्नी डली है, कच्चा मकान तो है। इनका पूरा परिवार इसी में रहता है? पूरा परिवार इसी में रहता है। क्या नाम अम्मा? अंबरी। बताओ क्या परेशानी है? परेशानी तो आपका आवाज अपने कहाँ कहाँ इसकी सुन चुना? कितने बच्चे हैं? दो। वो भी यहीं पर रहते हैं? हाँ। तो आप किसी में रहते हैं? हाँ, किसी में रहते हैं, शादी में हमारे, शादी करके क्या करेंगे, टपरा कौन अपनी लड़की देगा। भारत प्लस के लिए टीकमगढ़ से जमील खान की रिपोर्ट। देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी पाने के लिए आज ही आप भारत प्लस को सब्सक्राइब करें।